ये हम कुछ कमाने के लिए या किसी को सुधारने के लिए नहीं कर रहे, उत्साह से कर रहे हैं। देखो आदमी को उत्साह किसमें होता है, जिसमें उसको अनुभूति होती है आनंद की। जब तक न पूरा कार्य हो उत्साह से करते रहो, जीवन का उत्साह कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। मरना भी है तो उत्साह से मरो ना। जैसे युद्ध के मैदान में जो सिपाही होते हैं, जवान होते हैं, वो उत्साह से रहेंगे तभी तो कर पाएंगे। नहीं तो वहां जाने के बाद यार बड़ा ठंडा है यार, कैसे करे क्या करे, तो वो ना तो जिंदा रह सकता है ना तो मर सकता है। जब तक न पूरा कार्य हो उत्साह से करते रहो, पीछे न हटिए एक तिल, आगे सदा बढ़ते रहो। नेवर गिव अप। देखो छोड़ो मत, हाथ में लिया पूरा करो, लग जाओ मुन्ना भाई पूरी तरह से, पीछे न हटिए, डोंट गिव अप। आप 10 जगह में 2-2 फुट पानी निकालने के लिए खोदे जमीन, और 2 फुट की बाजिया पानी तो यहाँ आ नहीं रहा, दूसरी जगह करते। 10 जगह खोदोगे तो जितनी मेहनत लगेगी उतनी मेहनत एक जगह में लगाओ तो वहाँ पानी निश्चित आएगा। इसी प्रकार से कभी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, कभी श्री राम जय राम जय राम श्री राम, फिर कभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कभी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, कहीं भी हमारी निष्ठा नहीं है। देखो तो करे क्या, सीधी बात है। आध्यात्मिक साधना माने कामनाओं से इच्छाओं से हमेशा के लिए मुक्ति। कामना इच्छा खत्म हो गई तो मैं गायब हो गया, तो ये मैं से मुक्त होना है, मैं को मुक्त नहीं करना। बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए महाराज, उपदेश पीछे न हटिए एक तिल, आगे सदा बढ़ते रहे। उत्साह बिनु जो कार्य हो पूरा कभी होता नहीं, उत्साह होता है जहां होती सफलता है वहीं। और यह उत्साह या इंस्पिरेशन एक ऐसी वस्तु है जो सबके साथ लग जाती है। देखो जैसे आप खाना खाने के लिए बैठो तो नमक हर नमकीन व्यंजन में एक ही होता है, मिठास सभी मीठे व्यंजनों में एक ही शुगर होती है, चीनी होती है। देखो सामान्य है, ऐसे नहीं कि सब्जी में डालने वाला नमक अलग है, उसके बाद दाल में डालने वाला नमक अलग, सब में सामान्य है। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से उत्साह जीवन में सबके साथ लग जाता है। देखो उत्साह से युक्त होकर के पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी, उत्साह से प्रेरित होकर के पढ़ाने वाला आचार्य, उत्साह से पति का रोल पिक करने वाला पति, उत्साह से रहने वाली घर की स्त्री पत्नी, हर जगह में उत्साह लग जाता है। देखो और जिसकी जिनमें उत्साह नहीं वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं क्लैब्य मास मगम, जीवन में अपने उत्साह को नष्ट ना करें। देखो उत्साह होता है जहां होती सफलता है भाई, ये उत्साह का आधार होता है अपनी श्रद्धा। व्यक्ति को कहीं ना कहीं श्रद्धा होना आवश्यक है, चाहे आप उसको भगवान कहो, चाहे आप उसको किसी गुरु कहो, किसी कोई स्थान कहो, कोई मंदिर कहो, कोई कार्य कहो, कुछ भी कहो, उसमें जब श्रद्धा नहीं होगी तो उत्साह नहीं होगा। देखो जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रति कितनी उत्साह से लगी रहती है, देखो, और इसीलिए माँ कभी थकती नहीं कि मैंने तुमको खाना खिलाया अब नहीं खिलाऊंगी, नहीं नहीं नहीं। देखो आपत्तिया सब झेलिए, मत कष्ट से घबराइए, हो मृत्यु का भी सामना, हटिए नहीं मर जाइए, कायर भगे रण क्षेत्र से, रणधीर हटता है नहीं, होती जहाँ है वीरता,
होती सफलता है वही।